ड्रामा क्वीन राखी सावंत को इन दिनों लव जिहाद का डर सता रहा है। हाल ही में खबर आई थी कि राखी सावंत ने अपने बॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी से शादी कर ली है। इसके साथ ही राखी सावंत ने अपना नया नाम फातिमा भी रखा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि राखी सावंत को लव जिहाद का डर सता रहा है। वैसे एक सच ये भी है कि राखी सावंत अपने ड्रामा से हर वक्त सबको हैरान करती रहती है। पहले तो राखी ने अपने बॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी से निकाह करके सभी को हैरान किया था। राखी ने सोशल मीडिया पर अपने निकाह की तस्वीरें भी शेयर की थी और ये बताया था कि उन्होंने आदिल से 7 महीने पहले ही निकाह कर लिया था, लेकिन आदिल ने उन पर इस निकाह को छुपाए रखने का दबाव बनाया। राखी ने ये भी बताया कि उन्होंने निकाह के साथ साथ कोर्ट मैरिज भी की थी, लेकिन अब तक ये बात सभी से छुपा कर रखी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब राखी का कहना है कि आदिल उनसे बात नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, एक इंटरव्यू में राखी सावंत ने आदिल से अपने निकाह और धोखे की बात कह दी है। ड्रामा क्वीन की माने तो उन्हें अब लव जिहाद का डर सता रहा है, क्योंकि आदिल का परिवार उनके ऊपर बहुत दबाव बना रहा है, जिसके चलते वे उनसे बात नहीं कर रहे। राखी ने आदिल पर किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में होने की भी बात कही है। राखी सावंत की माने तो आदिल ने उनके साथ धोखा किया है। आदिल का किसी और के साथ भी अफेयर है, जबकि उन्होंने राखी के साथ निकाह किया। वह निकाह के बाद भी किसी और के साथ है। आदिल की इसी हरकत को देखने के बाद राखी सावंत ने सबके सामने अपनी शादी का सच रख दिया। राखी ने यह भी बताया कि उन्होंने शादी के बाद अपना नाम भी बदल लिया था। उन्होंने अपना नाम फातिमा रखा था। दूसरी तरफ आदिल ने निकाह की खबरों से इनकार किया है। आदिल का ये कहना है कि उन्होंने और राखी ने शादी की ही नहीं, लेकिन राखी ने अब आदिल के साथ अपनी शादी को लेकर लव जिहाद की ओर इशारा किया है। एक इंटरव्यू में राखी सावंत ने ये कह दिया कि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ भी वो सब ना हो जाए जो आजकल हर तरफ हो रहा है। राखी ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी से जुड़ी तस्वीरें भी शेयर की हैं और डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि आदिल के साथ अपने निकाह के लिए राखी ने धर्म परिवर्तन किया और शादी के लिए उन्होंने अपना नाम फातिमा भी रखा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।